कल की तासिका में हमने भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया था और इस प्रक्रिया में कुछ बातें आपके सम्मुख स्पष्ट की थी। वो ये थी कि भाषा शिक्षण एक निरंतर चलने वाली सोद्देश्य प्रक्रिया है। विधिवत पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की औपचारिक शिक्षा के बाद भी भाषा का अधिगम, भाषा की लर्निंग, भाषा को सीखना चलता ही रहता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण का, यानी भाषा का शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया आ जाती है। इसीलिए भाषा शिक्षा की प्रक्रिया को समझने से पूर्व मातृभाषा और अन्य भाषाओं की अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा और अन्य भाषा के शिक्षा में अंतर है, उस प्रक्रिया में अंतर है। भाषा शिक्षण में छात्रों के मौखिक और लिखित भाषाई प्रकारियों को सिद्ध करने की क्षमता के विकास का प्रधान उद्देश्य सामने रखकर उसकी विधि प्रणाली का निर्धारण किया जाता है। मतलब जिस प्रकार हम भाषा को सीखते हैं, उस भाषा शिक्षण की प्रणाली की एक विधि, एक पद्धति निर्धारित उस आधार पर होती है कि हम क्या सीखना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बालक के या छात्र के मौखिक और लिखित भाषाई प्रकारियों की सिद्धि की क्षमता का विकास, ये भाषाई शिक्षण का प्रधान उद्देश्य होता है। और इससे पूर्व भी जैसे कि अनेक बार बताया गया है कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी शिक्षण की प्रक्रिया है, आपकी अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मातृभाषा और अन्य भाषा की अधिगम प्रक्रिया में भी भेद होता है, उसी के आधार पर भाषा प्रक्रिया शिक्षण, भाषा की शिक्षण प्रक्रिया में भी भेद होता है, अंतर हो जाता है। और शिक्षण विधियों में जो अलग अलग विधियां हैं वो इस प्रकार की आ जाती हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल इसका हमने थोड़ा सा उदाहरण दिया था, आज उसको हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, स्वाभाविक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, ध्वनि वैज्ञानिक विधि, वाचन विधि, व्याकरण विधि, संकलन विधि, इकाई विधि, भाषा नियंत्रण विधि, अनुकरणात्मक विधि, अभ्यास सिद्धांत विधि, सजातीय विधि, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, यानी अलग अलग प्रकार से भाषा को हम सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भाषा को सीख सकते हैं, स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रीति से हम भाषा को सीख सकते हैं, ध्वनि वैज्ञानिक फोनेटिक्स के माध्यम से सीख सकते हैं, वाचन, अलग अलग ग्रंथों के वाचन से हम भाषा को सीख सकते हैं, उसके उपरांत व्याकरण, व्याकरण की जो 8 इकाइयां हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसके अलावा क्रिया विशेषण हैं, योजक हैं, समुच्चय बोधक हैं, इन सभी के माध्यम से हम सीख सकते हैं, प्रत्यय प्रकृति के माध्यम से सीख सकते हैं, निपात वगैरह इसके माध्यम से सीख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के भाषाई नमूनों का संकलन करके उसकी उस विधि से सीख सकते हैं। अलग अलग जो भाषा की इकाइयां हैं, ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इन इकाइयों के आधार पर कर सकते हैं। भाषा नियंत्रण विधि, एक ही भाषा पर नियंत्रण पाने के लिए कर सकते हैं। बड़े लोगों के भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने के अनुकरण पद्धति से अनुकरण करके भी पढ़ सकते हैं। अभ्यास सिद्धांत विधि से पढ़ सकते हैं, बार बार अभ्यास सिद्धांत विधि से करके पढ़ सकते हैं। सजातीय विधि से, मतलब एक ही जाति की या एक ही परिवार की दो भाषाओं को लेकर के पढ़ सकते हैं। द्विभाषीय विधि से पढ़ सकते हैं। अनुवाद विधि से, अनुवाद विधि में कम से कम दो भाषाएं होनी चाहिए।
इस विधि से पढ़ सकते हैं, या फिर व्याकरण के आधार पर प्रत्येक पद का अनुवाद किस प्रकार किया जाए उस विधि के आधार पर पढ़ सकते हैं। यानी अनेक विधियां भाषा पढ़ने की हो सकती हैं। इस समय हम अनुकरणात्मक विधि पर ज्यादा जोर देते हैं। फिर भी अगर हम देखें तो भाषा शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षण से अलग क्यों है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी क्यों, यानी पूरी तरह से अन्य जो विषय होते हैं, चाहे वो राज्यशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, इतिहास हो, वनस्पति शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, या दुनिया का कोई भी विषय हो, विधि जैसा विषय हो, इन सभी विषयों के पढ़ाई में, शिक्षण प्रक्रिया में और भाषा विषयों के शिक्षण के प्रणाली में बड़ा अंतर होता है। सामान्य शिक्षा में, किसी भी विषय की शिक्षा में, भाषा का अपना कोई विषय नहीं होता, पर वह हर विषय की माध्यम बन जाती है। मतलब आप अंग्रेजी माध्यम से अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम से आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इत्यादि विषय पढ़ सकते हैं, आप अलग अलग भाषाओं के माध्यम से अलग अलग ज्ञानों का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, भाषा ही वह माध्यम है जो ज्ञान को आपके सामने रखता है। यानी हर विषय की अधिगम प्रक्रिया का प्रधान माध्यम भाषा है, और छात्र के व्यक्तित्व संवर्धन, जिसको हमने बहुत बार कहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है छात्र का बहुआयामी, मराठी में देखा जाए तो सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, उसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्वाइन हुआ मीटिंग ला, ज्वाइन हुआ मीटिंग ला, ज्वाइन हुआ तो मैं कह रहा था कि भाषा के माध्यम से केवल आप किसी विषय का ज्ञान ही नहीं, अपितु संस्कारों का भी परिष्कार कर सकते हैं। यानी एक भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम संस्कारों और ज्ञान दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ज्ञान, विज्ञान एवं सुसंस्कार भाषा के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और इस रूप में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है सामान्य शिक्षण की प्रक्रिया से अलग हो जाती है। दुनिया का कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, उसमें केवल ज्ञान होता है लेकिन भाषा में संस्कार होते हैं। इसलिए हमें भाषा के अध्ययन पर अधिक बल देना चाहिए। वो किस प्रकार देंगे हम बल, वो जरूरी यह है कि हम एक अलग पद्धति से सीखें। और बार बार कहा जा रहा है, देखिए कि दुनिया का कोई भी विषय आप केवल ज्ञान के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भाषा को संस्कार के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए। किसी भी विषय का अध्ययन आप भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए भाषा सर्वोत्तोपरि है, भाषा सर्वश्रेष्ठ है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि महाराज विदेह जनक के दरबार में अनेक विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ करता था। कुछ नैयायिक थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ शैव थे, कुछ तार्किक थे, कुछ वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषदों के ज्ञाता थे। इन सभी ने अपनी अपनी डींगे हांकना शुरू कर दिया, परंतु जब सबने देखा कि एक शांत एक कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, कोई डिंक नहीं हांक रहा है, कोई गर्व की बात जिसमें नहीं है, जिसमें कोई अभिमान की चीज नहीं, वो कोई चिल्ला नहीं रहा है कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, लेकिन उससे पूछने पर उसने कह दिया कि मैं मात्र वैयाकरण हूँ, मैं भाषा वैज्ञानिक हूँ, तो सभी ने उसके चरणों पर अपना सिर टेक दिया। ये भाषा शिक्षक की महत्ता होती है। अगर हम देखें भाषा को सीखना कैसे है, तो इसकी प्रक्रिया से अगर हमें गुजरना है तो पहली बात ध्यान में रखें, हमें पहले कौशल केंद्रित शिक्षा सीखनी पड़ेगी। यानी प्रक्रिया चार, बार बार हम भाषाई चार कौशलों की बात करते हैं, जिनमें कौन कौन से विषय हैं, ध्यान रखिए कौन कौन से कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये कौशल पर केंद्रित, इन कौशलों पर केंद्रित भाषा शिक्षण की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे ज्ञानात्मक जो अन्य विषय होते हैं उसमें अध्ययन अध्यापन विषय वस्तु और तथ्य पर केंद्रित होता है, ध्यान रहे। अन्य जितने भी विषय हैं
जो ज्ञान पर आधारित हैं, उनका अध्ययन अध्यापन केवल उसकी जो वस्तु है, कंटेंट जो है वो बताना है छात्रों को केवल। समझिए, अगर कोई लॉ का अध्यापक है या कोई तर्क का अध्यापक है तो वो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन भाषाई अध्यापक को केवल कंटेंट नहीं उसके कौशल पर विचार करना चाहिए। मसलन अगर अंग्रेजी का कोई अध्यापक है तो वो श्रेष्ठ अध्यापक तब कहलाएगा जब उसके छात्र अच्छी तरह से अंग्रेजी सुने, अच्छी तरह से अंग्रेजी आपस में बोले, अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ें, अच्छी तरह से अंग्रेजी लिखें। अब वो इस माध्यम से किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है। अब ध्यान दें कि केवल मैं ही अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाली की भी बात करूंगा। पाली का शिक्षक, पाली नाम की जो भाषा है बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों की, उसका शिक्षक वो श्रेष्ठ शिक्षक कहलाएगा जिसके छात्र, जिसके विद्यार्थी पाली भाषा को ठीक ढंग से सुन सकते हो, उसका अधिगम सुनकर करें, उसको आपस में संभाषण के रूप में प्रयुक्त करें। इतना ही नहीं, वो पाली भाषा को अच्छी तरह पढ़ें, उच्चारण उसका आप सही सही हो, और अंत में उसमें कुछ सही सही लिखें। वही बात हिंदी भाषा के बारे में भी हो सकती है, मराठी के भाषा बारे में भी हो सकती है। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं या उस कुछ विदेशी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को आप तब तक श्रेष्ठ प्रक्रिया नहीं मानते सिखाने की जब तक वो कौशल्यों पर केंद्रित हो। भाषा शिक्षण में भाषाई व्यवहार, भाषाई व्यवहार के अंतर्गत ये कौशल आ जाते हैं। कौन कौन से भाषाई व्यवहार की कुशलता होती है, ध्यान रहे, मतलब भाषा के जो दोनों रूप है, उच्चरित रूप, चाहे वो कहा जाने वाला हो चाहे सुना जाने वाला हो, उच्चरित रूप और लिखित रूप, चाहे वो पढ़ा जाने वाला हो या लिखा जाने वाला हो, इन दोनों रूपों पर आधारित जो कौशल होते हैं, श्रवण कौशल मतलब सुनना, भाषण कौशल मतलब बोलना, वाचन कौशल मतलब पढ़ना, और लेखन कौशल मतलब लिखना, ये चारों कौशल जब तक नहीं आते तब तक आपको इस प्रक्रिया से बाहर आप नहीं जा सकते। यानी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौशल पर आधारित, कौशल पर केंद्रित शिक्षण की प्रक्रिया है ये। फिर आगे कर कहते हैं कि प्रयोग पर है, केवल कौशल तक हमें सीमित नहीं रखना है, आगे है प्रयोगों, कौशलों के प्रयोगों पर अलग अलग प्रयोग करके देखें। यानी भाषा शिक्षण में छात्रों के वास्तविक भाषा प्रयोग, ध्यान रहे हम बहुत बार लिखते समय विचार करके लिखते हैं लेकिन बोलते समय विचार नहीं करते, तो बोलते समय भी विचार करके बोले। हम जिससे बोल रहे हैं वो हमसे बड़े हैं, हमसे आयु में बड़े हैं, पद से वरिष्ठ हैं, उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, अगर कनिष्ठ हैं छोटे हैं तो उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, तो ये प्रक्रिया है इसकी, और ये भाषा प्रयोग की प्रक्रिया है। भाषा के विषय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान यहाँ नहीं देना है, जरूरी नहीं है। मैंने बार बार कहा है आपसे, देखिए कि भाषा यह प्रयोग यानी उपयोग, यानी जिसे कहते हैं कि बोलचाल में जो भाषा नहीं आती वो केवल पुस्तकों तक सीमित रहती है, हमें उसकी से कोई लेन देन नहीं है। मतलब संस्कृत जैसी भाषा जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है आज पुस्तकों की भाषा मात्र बन करके रह गई है, वो प्रयोग की भाषा नहीं बनी, इसलिए उन कौशल्यों के प्रयोगों को भी आत्मसात हमें करना पड़ेगा। यानी भाषा के नियमों को केवल रट करके सैद्धांतिक उपयोग करके, मतलब कि हमारी भाषा में इतने स्वर होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं, इतने समास होते हैं, इतने अलंकार होते हैं, इतने रस होते हैं, इतने निपात होते हैं, इतने धातुएं होती हैं, इतने उपसर्ग होते हैं, इतने परसर्ग होते हैं, इतने प्रत्यय होते हैं, इतनी विभक्तियाँ होती हैं, इतने विभक्ति प्रत्यय होते हैं, इतने शब्द की अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, संज्ञाएँ इतने प्रकार की हैं, सर्वनाम इतने प्रकार के हैं, क्रियाएँ इतने प्रकार की हैं, ये रटने से काम नहीं है, ध्यान रखिए। इसमें सैद्धांतिक बात करना ही नहीं, भाषा शिक्षा में महत्वपूर्ण चीज है कौशल्यों को अर्जित करना और उन कौशल्यों को विकसित करने के लिए उनका प्रयोग दैनंदिन जीवन में करना। और जो लोग चाहे कितनी भी महान भाषा हो अगर उसका प्रयोग दैनंदिन जीवन में नहीं कर सकते तो वो विद्वान नहीं कहलाते। अब उसके आगे हम देखें, हमें
किसी भाषा के इतिहास का थोड़ा बहुत काम चलाऊ ज्ञान हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन उसका बहुत गहराई से अध्ययन हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है। यानी भाषा का सैद्धांतिक विवेचन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाषा अधिगम में आपको भाषा सुनने आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए, पढ़ने आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए। भाषा का बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आपको करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत शिखर का विषय हुआ। हमें शुरुआत में भाषा के अध्ययन में केवल प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी प्रासंगिक विषय ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ये करना चाहिए मूलभूत रीति से कि हम जिन कौशल्यों का अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन में जिन कौशल्यों की बात बार बार कर रहे हैं, उन कौशल्यों का प्रयोग दैनंदिन जीवन में करें। भाषा अधिगम की प्रक्रिया से सैद्धांतिक बातों का कोई सीधा संबंध नहीं है। भाषा लर्निंग या भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया है, भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसका मूल उद्देश्य भाषाई अंतर्दृष्टि का विकास करना है, सैद्धांतिक जानकारी देना मात्र नहीं। सैद्धांतिक जानकारी हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन उसकी अनिवार्यता नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि भाषाई कौशलों को जब तक प्रयोगों में नहीं लाया जाता, तब तक ये शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और हम आगे चलकर कहते हैं तीसरी बात, पहली बात कही हमें कौशलों का अर्जन करना चाहिए, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए कौशलों के अर्जन के। फिर दूसरी बात है कि कौशलों का अर्जन करने पर जिन कौशलों को हमने अर्जित किया है, सीखा है, उनका प्रयोग भी करें, उनका प्रयोग भी करना चाहिए। फिर तीसरी बात हमने यहाँ ये है कि किसी भी भाषा को अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, उस भाषा के मानक रूप को पढ़ना है आपको, उसके बोली रूप को नहीं पढ़ना है। मसलन हिंदी की 22 बोलियां हैं, राजस्थानी उपभाषा में हिंदी की मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाणी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा इत्यादि हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आ जाती हैं। पहाड़ी हिंदी है, नेपाली हिंदी है। तो इनका आपको अध्ययन करना नहीं, इनके मानक रूप का अध्ययन करना है। मतलब जो लिखा जाता हो वर्तनी के नियमों से युक्त ऐसा मानक रूप। जैसे मैं मराठी भाषा के तौर पर भी अगर कहूँ तो मराठी कौन सी आनी चाहिए आपको, जो पूरे महाराष्ट्र में समझी जाए ऐसी मराठी, केवल खानदेश में समझी जाने वाली खानदेशी बोली नहीं, केवल वराड़ में बोले जाने वाली वराड़ी बोली नहीं, केवल पुणे में बोली जाने वाली पुणेरी बोली नहीं, केवल मराठवाड़ा में बोली जाने वाली मराठवाड़े बोली नहीं है, बल्कि इन सब का जो मध्य है, मानकत्व है, स्टैंडर्ड भाषा जो इसकी है, इसको मराठी में प्रमाण भाषा कहा जाता है, हिंदी में मानक भाषा कहा जाता है, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, उस रूप का आपको अध्ययन औपचारिक रूप से करना है। अनौपचारिक रीति से आप उसकी बोलियों का अध्ययन अवश्य करें, लेकिन औपचारिक रूप से आपको मातृभाषा हो या अन्य कोई भी भाषा हो उसके मानक रूप को पढ़ना पड़ेगा। मसलन समझिए, अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति हिंदी पढ़ना चाहता है और उसने यहाँ आकर के ब्रजभाषा सीखी, लेकिन उसे मानक हिंदी नहीं आती, तो हिंदी नहीं आती ऐसा उसे मानना पड़ेगा। अगर वह हरियाणवी सीखेगा लेकिन मानक हिंदी नहीं सीखेगा तो उसे हिंदी नहीं आएगी। अगर वह बुंदेली सीखेगा लेकिन हिंदी नहीं सीखेगा मानक रूप, तो उसे हिंदी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि मातृभाषा हो या अन्य भाषा हो कोई भी, तो उसकी अलग अलग बोलियों के अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको उसके मानक रूप की, स्टैंडर्ड रूप की, प्रमाण रूप की भाषा सीखनी चाहिए। जो मराठी ग्रंथों में है उसे सीखिए, जो हिंदी ग्रंथों में है उसे सीखिए, जो अंग्रेजी ग्रंथों में है उसे सीखिए। भले ही उसका बोलचाल का रूप आपका थोड़ा सा व्याकरणहीनता से ग्रस्त क्यों ना हो, परंतु उसकी बोलियों के रूप को आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी अन्य विषयों के संदर्भ में मानक मानकेतर संकल्पना नहीं होती, केवल मानक, ध्यान रखिए, अन्य मतलब ऐसा नहीं कहा जाता कि ये मानक रसायन शास्त्र है, ये अमानक रसायन शास्त्र है, ये अमानक राज्य शास्त्र है, ये मानक राज्य शास्त्र है, ऐसा अन्य विषयों में नहीं होता, लेकिन भाषाओं में होता है, मानक भाषा और अमानक भाषा या ग्रामीण बोलियां।
उसकी ओर आपको ये ध्यान देकर सीखना पड़ेगा। फिर चौथी बात इसमें आती है, भाषाई आदतों का गठन करना है। देखिए, भाषा शिक्षण और भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की ये विशेषता है कि इसमें छात्रों को भाषाई आदतों का निर्माण किया जाता है। छात्रों में क्या किया जाता है? भाषाई आदतें। देखिए, नमस्ते करना आदत है। उसके उपरांत अगर हम कहें कि हमें किसी बड़े का आदर सत्कार करना है, किसी छोटे को समझाना है, तो ये भाषा के माध्यम से आप सीख सकते हैं। यानी भाषाई आदतों के गठन और उनके विकास के लिए क्या करना है आपको? एक समुचित परिवेश बनाना है। समझिए, बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, लेकिन जब तक अंग्रेजी की आदत नहीं होगी आपको, तब तक वो कठिन रहेगी। आपने कितने भी बड़े प्रोफेसर से सीख ली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की क्यों ना अंग्रेजी प्रोफेसर से आपने अंग्रेजी सीखी, जब तक वो आपके आदत की भाषा नहीं हो जाती, दैनंदिन व्यवहार में वो उतरती नहीं, आप उसमें दैनंदिन वार्तालाप नहीं करते, वो आपकी आदत नहीं बन जाती, तब तक आपको आपको वो भाषा आती है ऐसा कोई नहीं मानेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परिवेश बहुत जरूरी है। सम परिवेश मतलब उस भाषा का वातावरण निर्माण होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अलग अलग भाषाओं की स्पीकिंग कोर्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ सीखने पर भी अगर आपने उस भाषा का प्रयोग नहीं, गत वर्ष मैंने अंग्रेजी के क्लासेस किए थे, लेकिन बाद में उसका अभ्यास नहीं रहा, उसकी आदत नहीं लगी, तो फिर से वो कठिन जाने लग गया। वैसा ही अन्य भाषाओं के बारे में भी हो सकता है। इसलिए समुचित परिवेश निर्माण करना, समुचित वातावरण निर्माण करना उस भाषा का अत्यंत जरूरी होता है। और उसके शिक्षा बिंदुओं का चयन करो। अनुस्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण की विशिष्ट टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का अनुप्रयोग करना चाहिए। मतलब किस प्रकार करना चाहिए? जैसे खास करके देखिए कि किसी भी भाषा को अगर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? उस भाषा को बोलते समय किस प्रकार पोस्चर गेस्चर्स होते हैं। अगर देखिए, मैंने बहुत बार कहा है, अगर कोई सकारात्मक बात आपको करनी है तो आपका दाहिना हाथ ऊपर होना चाहिए, और कोई नकारात्मक बात कर रहे हैं तो बायां हाथ नीचे होना चाहिए। अगर कोई आप उद्धरण दे रहे हैं तो इस प्रकार से उद्धरण का कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह करना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल बातें होती हैं, उन बातों को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। मतलब मौखिक भाषा और शारीरिक भाषा दोनों के पोस्चर गेस्चर, हाव भाव इत्यादि सभी का एक साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो वही भाषा, उसी भाषा का प्रस्तुतिकरण और शक्तिशाली बन सकता है। ये बहुत जरूरी चीज है। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि भाषाई आदतों के गठन के बाद क्या है महत्वपूर्ण बात, उसमें आती है अंतिम, वो है संस्कृति सापेक्षता। मतलब समझिए, आप संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो उसकी संस्कृति सापेक्षता और होगी। मतलब उसमें वैदिक संस्कृत के शब्द आएंगे, उसमें वैदिक शब्द आएंगे, उपनिषदों के शब्द आएंगे, उस पर चर्चा होगी। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी का माहौल वह निर्माण करना पड़ेगा जो अंग्रेजी संस्कृति है। यानी भाषा और संस्कृति का बहुत गहन संबंध है। और ध्यान रखिए, संस्कृति का प्रकटीकरण, अगर कोई मनुष्य कितना सभ्य और सुसंस्कृत है, यह उसकी भाषा से पता चलता है। अगर उसकी भाषा में गालियां, गाली गलौज की भाषा है तो असभ्य माना जाएगा। अगर वही व्यक्ति अच्छी तरह से अपने विचारों को एक सांस्कृतिक स्तर तक जाकर के पहुंचा सकता है तो सुसंस्कृत या सभ्य माना जाएगा, वो जेंटलमैन या लेडीज कही जाएंगी। वरना सामान्य व्यक्तियों को तो ये बहुत कठिन बात है जो संस्कृति को समझे। संस्कृति को भाषा का केंद्रीय तंतु माना जाता है। बालक जो भी होता है या जो कोई भी अधिगम करता है, चाहे, क्योंकि मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि भाषा सीखना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यानी मरते दम तक मनुष्य भाषा सीखता ही रहता है। अन्य विषय वो छोड़ सकता है, लेकिन भाषा कभी छोड़ नहीं सकता। यानी कोई भी बालक या अध्येता या अधिगम करता मातृभाषा के अधिगम में भाषाई संस्कृति को, अब देखिए प्रत्येक शब्द, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूंगा अक्षत, यह शब्द है अक्षता, अक्षता यह शब्द, मतलब किसी विवाह में आप कोई चावल के रंगीन दानों को फेंकते, यहाँ तक वो सीमित नहीं है। उसके पीछे की भावना को समझे, उसके पीछे की सांस्कृतिक इतिहास को समझे। और ध्यान रहे, प्रत्येक शब्द अपने साथ
अपनी जन्म की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लेकर के आता है। इसलिए प्रत्येक शब्द का कैसे प्रयोग आपको करना है आपके जीवन में, दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए कि जब हम मातृभाषा का अध्ययन करते हैं तो सीधे वह संस्कृति से जुड़ी जाती है। मतलब हमारे यहाँ देखिए मराठी संस्कृति में सटवाई वगैरह वगैरह जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं बच्चे के जन्म से लेकर के उसके नामकरण संस्कार से लेकर के, ध्यान रखिए संस्कृति पूरी संस्कारों पर आधारित है। मतलब जात कर्म से लेकर के मृत्यु मरने तक जो 16 संस्कार हमें होते हैं वो सारे के सारे संस्कारों पर आधारित ही हमारी संस्कृति होती है। और लेकिन अगर हम द्वितीय भाषा सीखना चाहते हैं, दूसरी भाषा या अन्य भाषा सीखना चाहते हैं, तो उस अन्य भाषा के सीखने के लिए हमें उस संस्कृति का अध्ययन बहुत जरूर करना पड़ता है। मातृभाषा के शिक्षा के साथ साथ हमें हमारी संस्कृति अनायास मिल जाती है, लेकिन अन्य भाषा की संस्कृति और अन्य भाषा सीखने के लिए हमें सायास प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत बहुत मन लगाकर सीखना पड़ता है। शिक्षक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपागम के द्वारा छात्रों की सांस्कृतिक चेतना का विकास करता रहता है, यानी भाषा के माध्यम से संस्कृति का विकास करता रहता है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया समुचित रूप से गतिशील होती है और भाषा व्यवहार की कुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। अगर आपके भाषाई व्यवहार की कुशलता आपको लानी है, आपको सांस्कृतिक अध्ययन अधिक रूप से करना है, ध्यान रखिए किसी भाषा के साहित्य को पढ़ना, किसी भाषा को पढ़ना उस समग्र संस्कृति का आकलन करने जैसा है, उस समग्र संस्कृति को समझने जैसा है। इसलिए छात्रों की जो सांस्कृतिक चेतना है, ध्यान रहे अगर समझे थोड़ी देर के लिए कि आप बौद्ध संस्कृति समझना चाहते हैं तो दूसरा उपाय ही नहीं, आपको पाली भाषा सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप इस्लामी संस्कृति सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको अरबी भाषा आनी जरूरी है। अगर आपको ग्रीक यानी एथेंस प्राचीन का सांस्कृतिक इतिहास समझना हो तो आपको ग्रीक भाषा आनी ही चाहिए। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की संस्कृति का परिचय करना चाहे तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर, उसके उपरांत बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी के उपन्यास कहानियां पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन वो ओरिजिनल भाषा में, बंग भाषा में, इसलिए बंगाली भाषा आनी जरूरी है, तभी आप उस संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। और भाषाई कौशल, अब देखिए अब तक हमने क्या किया, पहले आपको भाषाई कौशल सीखने पड़ेंगे उसकी प्रक्रिया, फिर उसके उपरांत हमने देखा कि भाषाई कौशलों का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर भाषा के मानक रूप का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर भाषाई आदतों का गठन और संवर्धन करना पड़ेगा, और प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति की सापेक्षता होती है प्रत्येक भाषा के साथ, तो उस संस्कृति का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये अत्यंत आवश्यक बातें आज तक हमने कही। आज लगभग छात्रों को फोन करके बुलाना पड़ा, ये बड़े दुर्दैव की बात है। देखिए देखिए कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आप समय पर नहीं आते। ध्यान रहे हमारा समय 10:50 है। एक और संसूचना यहाँ कर देता हूँ कि सोमवार से गुरुवार तक इस समय 10:50 से 11:30 तक का जो समय है वो बीए बीएससी बीकॉम के जो सामान्य तीनों में अभ्यासक्रम है उस पर चर्चा करेंगे, और शुक्रवार शनिवार को हम केवल बीकॉम की बात करेंगे क्योंकि उनका पाठ्यक्रम बहुत पीछे रहा है। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, कल भाषाई कौशल्य, खास करके श्रवण कौशल्य, उच्चारण कौशल्य, जिसको संभाषण कौशल्य, लेखन कौशल्य और वाचन कौशल्य की बात है, उसे बहुत डिटेल में लेने का प्रयास करेंगे। आज का समय समाप्त हो गया है। सबको फिर से कहता हूँ कि समय पर उपस्थित रहने का प्रयास कीजिए। आपको आप चाहे महाविद्यालय में बैठे हों, घर में बैठे हों, कहीं भी हों, हमारी तासिकाओं का समय कृपया करके चुकिए मत, क्योंकि इसी आधार पर आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। सबको धन्यवाद। यहाँ आज